Assalamu alaikum. Good morning. I am Medit Abbas and I welcome you to Gohar Publishers with the motto of redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. I'm starting with Grade 5 English, which is published by Gohar Publishers. We're going to start with the first chapter, which is Courageous Victor. Courageous Victor jo hai wo single national curriculum ki theme values and ethics us pe base karta hai aur uski sub theme hai courage जुर्रत. अब बात ऐसी है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके चार एस्पेक्ट्स हैं, चार एरियाज हैं. पहला है लिसनिंग, दूसरा है रीडिंग, तीसरा है स्पीकिंग और चौथा है राइटिंग, जिसको अगर हम आम जबान में कहें तो सुनना, बोलना, लिखना और याद करना. अब हर चैप्टर गौर पब्लिशर की बुक पे जो है वो इन्हीं चार एस्पेक्ट्स पे बेस करता है. हर चैप्टर के अंदर हैं SLOs, विच इज़ स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स. ये वो आउटकम्स हैं या ये वो एम्स हैं जो हमें माइंड में रखने चाहिए जब हम बच्चों को वो चैप्टर पढ़ाते हैं. सो लेट्स से कि इस चैप्टर में जो ओरल कम्युनिकेशन है उसके अंडर आता है लॉन्ग वॉवल साउंड्स, डिफथोंग्स. लॉन्ग वॉवल साउंड वो साउंड्स हैं जिनमें वॉवल का जो साउंड है वो थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड है. जैसे अगर हम कहें चोज, सो इट्स अ सिंगल साउंड, बट इफ यू से चूज वो डबल साउंड है. सो जो लॉन्ग वॉवल साउंड है उसकी हम बात करेंगे. फिर बात आती है लॉन्ग क्वेश्चंस की, टेक्स्ट को समझने की, एंड देन वी गो टू द फैक्ट कि जब हम राइटिंग पे पहुंचते हैं तो राइटिंग में एक पूरा मल्टी सिलेबल पैराग्राफ लिख सके बच्चा. अब ये इतने सारे जो हमारे एम्स हैं इनको हमने एक चैप्टर में कवर करना है. इसको माइंड में रखने के लिए हम कैसे किस स्ट्रैटेजी से चल सकते हैं. जनरल स्ट्रैटेजी क्या होती है? जनरल स्ट्रैटेजी होती है इंग्लिश पढ़ाने की कि जी बच्चे को रीडिंग करवाएं, साथ रीडिंग करें या बच्चे से रीडिंग करवाएं और फिर एक्सप्लेन करें. वेयर एज आई कंप्लीटली डिसग्री विद दैट. मुझे लगता है कि हम कभी कभी बच्चों को असेस करने से पहले उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें अखज़ कर लेते हैं. लैंग्वेज पढ़ाने का आसान तरीका होता है कि लैंग्वेज को उसी रूप में पढ़ाया जाए. मतलब अगर मैंने उर्दू पढ़नी है तो मैं उसको उर्दू में ही पढ़ाऊँ. सो अगर मैंने इंग्लिश पढ़ानी है तो मैं उसको इंग्लिश में ही पढ़ाऊँगी. उसके लिए जो बेहतर स्ट्रैटेजी है वो ये है कि बच्चे को पहले आप बेशक डिफ़िकल्ट है कहिए या उसको रीडिंग खुद करने दीजिए, एंड यू एक्ट एज अ फैसिलिटेटर. जबकि आप वहाँ खड़े होकर बच्चे को सिर्फ उन चीज़ों में हेल्प करेंगे जहाँ वो अटकेगा या फंसेगा या फंसेगी. लेट्स से बच्चे ने पहला सेंटेंस बनाया है, पहला सेंटेंस है जी करेजस विक्टर इज़ द मेन थीम. अब लेट्स से करेजस विक्टर में से वो करेजस बोल ही नहीं पाया. सो डजंट मैटर, जस्ट रिपीट द सेंटेंस आफ्टर द किड. जस्ट डू नॉट कट द किड इन, लाइक डोंट से ओ स्टॉप यू सेड इट रॉन्ग. नो, जस्ट विद अ स्माइल reread the whole sentence with proper pronunciation. The kids nowadays are super intelligent aur wo is baat ko bade aaram se follow kar sakte hain ki agar ek sentence dobara bola gaya hai to iska matlab hai ki mujhe apni galti realize karni hai aur uske bare mein dobara baat karni hai. So let's say ye to ho gaya hamara start ki humne comprehension ka start kiya, chapter ka unit ka start kiya, usme bacche ke sath humne reading ki, jahan jahan usko difficulty thi us difficult word ko humne underline karwaya, sath humne urdu mein uska matlab bataya taki bachcha khud उस चीज़ को समझे. नाउ लेट्स से एक बच्चे ने एक पैराग्राफ रीड किया, दो किया, फिर किसी और ने किया. लेट्स से हमने तीन चार बच्चों से पूरी रीडिंग करवा ली. जब वो रीडिंग करवा ली तो फिर द नेक्स्ट स्टेप शुड बी कि हम उस चैप्टर की समरी शॉर्ट सेंटेंसेस में या जिस्ट या कंक्लूजन या उसका क्रक्स क्या है, उस स्टोरी का मतलब क्या है, वो मतलब जो है वो हमने उन बच्चों से सुनना है ताकि हम ये असेस कर सकें कि बच्चे को अपनी रीडिंग पे, अपने आप पे, अपने स्किल यूज़ करते हुए कितनी बात समझ आती है. जब ये सब कुछ हो जाएगा तो एट द एंड ऑफ द रीडिंग बच्चे को मुश्किल वर्ड्स आ गए होंगे, बच्चे को कहानी समझ आ गई होगी, एंड देन वी कम टू द फैक्ट कि अब बच्चे के साथ क्वेश्चनिंग करते हैं. अब क्वेश्चनिंग पे अगेन स्ट्रैटेजी पे फंस गए. क्वेश्चनिंग में भी सेम स्ट्रैटेजी है, बच्चा पहले खुद क्वेश्चन पढ़े, आप उसके साथ रीरीड करें, जहाँ उसको डिफिकल्टी हो वहाँ उर्दू में उसको वो बताएं और फिर बच्चे से बुलवाएं कि बच्चा उस सेंटेंस को आपको कैसे उर्दू में ट्रांसलेट करके बताता है. ये चीज़ आपको सिर्फ ये अंदाज़ा करवाएगी कि बच्चे को किस हद तक समझ आई है. देन यू कैन मूव ऑन विद द एक्सरसाइज विद द सेम स्ट्रैटेजी. उसमें भी आगे अब जैसे क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए, डिफथोंग का यूज़ आ गया, लॉन्ग वॉवल साउंड्स आ गए, तो हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन का पहला पार्ट आपने खुद करवाना है बच्चों के साथ. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी पार्ट्स हैं वो बच्चों से आपने वन बाय वन करवाने हैं.
एंड पहले उनसे आंसर लेना है और उसके बाद उनको आंसर सही बताना है. सो दैट्स अबाउट इट. और ये सब करते हुए जो पहले मैंने चारों लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स बताए हैं उन एस्पेक्ट्स को माइंड में रखना है. इस तरीके से आप इस चैप्टर को बड़े अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं. थैंक यू सो मेरी मच फॉर लिसनिंग. बट बिफोर आई एंड द वीडियो मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि गौहर पब्लिशर्स ने आपके लिए आपकी ज़िंदगी और थोड़ी सी आसान कर दी है. दे आर ऑनलाइन रिसोर्सेज जो गौहर पब्लिशर की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं जिनमें लेसन प्लान्स स्कीम ऑफ वर्क भी इंक्लूडेड है विच इज़ गोइंग टू मेक योर टीचिंग ईजियर फॉर यू. सो दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ. अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वंस अगैन.